शांति। आज 29 जून 2023 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, परम सतगुरु के वरदानों से विशेष पालना का दिन है। वरदानी दृष्टि से आत्मा निहाल हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। परम सतगुरु की आज्ञा आत्मा जितना पालन करती है उतना आत्मा के अंदर सामर्थ्य आ जाता है। आज बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले विद्यापति भव दिखाते हैं। सरस्वती का जो वाहन है हंस है, आप हंस बुद्धि बन जाते हो, दिव्य बुद्धि बन जाते हो। ऐसी आत्माएं नीरशीर विवेकी होती हैं, गुण अवगुण का अंतर बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई, इस ईश्वरीय बचपन को कभी भूलना नहीं। जब आप बाबा के बने, बाबा का हाथ पकड़ा, अब बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना, कम से कम 8 घंटा बाबा को याद जरूर करना है। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं वो माया जीत बनते हैं। सत्युग त्रेता में कभी किसी को कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्योंकि वो संगम की प्रलब्ध भोगते हैं। बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जो दिव्य कर्म है, जो विकर्म नहीं बनता। अटेंशन देना है कि हमसे कोई पाप का काम ना हो, ना ही बाबा को कभी फारकती देनी है। कई बच्चे बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, निंदा कराते हैं, कहते सतगुरु का निंदक छोर ना पाए, बाबा की निंदा कभी नहीं करानी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल, ऊंचे से ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। ईश्वरीय बचपन को भूल, ऊंचे से ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। क्वेश्चन है, सत्युग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? सत्युग त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? क्योंकि सत्युग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वो संगम की प्रलब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे जो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म नहीं कूटना पड़ता। अभी बाप ऐसे कर्म सिखाते जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती, फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। गीता है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना, बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा उसको कहा जाता जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। कहते शिव भगवान उवाच अथवा रुद्र भगवान उवाच। रुद्र परम पिता परमात्मा को कहा जाता, तो परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य नहीं, साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो, ये बात केवल शिव बाबा कहते हैं। आप देह नहीं, आत्मा हो। 5 सेकंड अनुभव करेंगे, मैं मस्तक में चमकता दिव्य सितारा हूँ, लाइट हूँ। बाबा ने कहा ये जो आत्मा समझने वाली बात है सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते गौ मुख, अब पानी की तो कोई बात नहीं, बाबा है ज्ञान सागर। श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिव माला है ना, तो पहले पहले पक्का निश्चय करो बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। पक्का निश्चय कौन सा? शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती, आत्मा ही पढ़ती है। ऑर्गन्स द्वारा आत्मा खुद कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सत्युग में पुनर्जन्म लेता हूँ, तो नाम रूप बदल जाता है, ये आत्मा बोलती है। सत्युग में है तो पुनर्जन्म भी सत्युग में होता है। तो बाबा समझाते तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो, नाम रूप बदलता जाता है। बाबा निराकार शिव बाबा इस रथ में आके समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो। ज्योतिबिंदु शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठकर हम सबको सम्मुख देखते हुए पक्का करा रहे हैं, बच्चे तुम हमारे बच्चे बने हो, तुम्हें बहुत खुशी चढ़ी हुई है, हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती, मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पार्ट बचाता हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर शरीर में आकर पार्ट बचाया। बाबा कहते, मैं तो गर्भ में नहीं आता। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नहीं, वो तुम लेते हो, ये दादा लेता है। हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना। आत्मा ही कहती, मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, पुनर्जन्म लेते लेते फिर सत्ययुग से त्रेता द्वापर कलयुग में आ गए। आत्मा कहती, द्वापर में हमने बाबा को बहुत याद किया, द्वापर से हम याद करते आए, परम पिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सत्ययुग में मालिक थी, वहाँ किसी की पूजा नहीं करती थी, स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, आधा कल्प भक्ति की, अब बाबा सम्मुख आए। द्वापर कलयुग में भक्ति की, अब बाबा सम्मुख आए, अब तुम सब निराकार बाप के सम्मुख हो साकार द्वारा। बाबा कहते, ये ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना, ये जन्म ब्राह्मण जन्म ईश्वरीय जन्म है, इसे भूल नहीं जाना। कहते, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पढ़ते हो, ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में है, इसलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं, खुद कहते बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं यहाँ एक बार आता हूँ जब मुझे पढ़ाना होता है, पतित सृष्टि को पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे, सत्ययुग में पावन तो याद नहीं करेंगे, ऐसे और कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, पतित माया ने बनाया तब कहते हैं पावन बनाओ, परंतु उनको ये पता नहीं मैं कब आता हूँ, मैं आता हूँ संगम पर और कोई भी समय नहीं आता हूँ, अभी आया हूँ, तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखाते जिससे भारत पावन बनता है, यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते, मैं इस तन में आता हूँ, ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है, वह मम्मा सरस्वती जगदम्बा है, ब्रह्मा की बेटी, बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वो जगदम्बा मुकर्रर रखी है, ब्रह्मा बड़ी माँ है, उन्होंने जगदम्बा को निमित्त रखा, इसके शरीर को जगदम्बा नहीं कहेंगे, ये मात पिता हैं, ये ब्रह्मा माता भी है, वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा, इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहीं माया के युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना, ये ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं, अगर भुलाए तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगदम्बा कहते हैं, वो पालना करने के निमित्त बनी हुई है, ये ब्रह्मा पालना कैसे करते हैं, कलश पहले पहले इनको मिलता है, इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। बाबा कहते, मैं संगम युग पर आया हूँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए, जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ये भी पुरुषोत्तम युग है जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है, ये श्री लक्ष्मी नारायण, ये नर नारी ऊँच से ऊँच कैसे और किस द्वारा बने। बाप कहते, मेरे द्वारा, मेरा नाम भी है श्री श्री, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने वाला, ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतित को पावन मैं बनाता हूँ, जिसके फिर लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध है भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हम बाबा के बच्चे बने, बाप ने स्थापन किए हुए स्वर्ग में हम पार्ट बजाते हैं, मालिक बनेंगे। कहते माँ मेकम याद करो, यह आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। श्री बाबा कहते मुझे याद करो, मामेकम याद करो, ये बुद्धि की यात्रा है, धारणा सब आत्मा को करनी है, शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से चैतन्य बनता है,
तो बाबा कहते लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगा के लौट आते हैं, तीर्थों पर कभी विकार में नहीं जाते, क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे, फिर घर में लौट आते तो अपवित्र बन जाते हैं। इस समय सबकी आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से जो भी आत्माएं आई हैं सब पतित हैं। सत्ययुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता है, कलयुग में तीनों ही नहीं, पवित्रता सुख शांति तीनों ही नहीं है। घर घर में दुख अशांति है, कोई कोई घर में इतनी अशांति होती है जैसे नरक है, आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बचपन नहीं भूलना, अगर भूले तो ऊंच से ऊंच वर्षा गवा देंगे, भुला दिया फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। सावधान किया बाबा ने, अगर भुला दिया तो अधम गति को पाएंगे, फारकती दे दी तो बाबा ने कहा बहुत नीचे गिर जाएंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। फिर त्रेता में दो कला कम हो गई तो उसको क्षत्रियपन की निशानी दे दी। ऐसे नहीं कि वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी, जो माया पर जीत पहनते हैं वो देवता वर्ण में जाते, पूरे मार्क्स हैं 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्क्स होंगे तो 2nd नंबर 33% मार्क्स से नीचे आ जाते तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई, ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आते, खाद पड़ जाती, पहले गोल्डन एज फिर सिल्वर एज फिर कापर एज। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई, आत्मा की ज्योति उझाई हुई है, पत्थर बुद्धि बन गए, बाबा पारस बुद्धि बनाते। कहते हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बस बाबा को याद करो, 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अब तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में चले गए या उनको याद किया तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, मेहनत इसी में है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पड़ेगा, पापों का बोझा रह जाता तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में ये किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार कराए, धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुम्हें इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, क्या साक्षात्कार होगा ध्यान से समझेंगे, देखो बाबा ने इस ब्रह्मा तन से पढ़ाया, तुम्हें इतना सिखाया फिर भी तुमने ये पाप किए, न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो भी सिर पर है उसका सब साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता, जैसे कि बहुत जन्म की सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय सजा ऐसे मिलती है जैसे कि बहुत जन्मों से सजा खा रहा हूँ, बहुत पछताएंगे, परंतु हो क्या सकेगा इसलिए पहले से बता देते, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक नहीं बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाप सत टीचर सत गुरु ये एक ही है। अब बाबा कहते ये ब्रह्मा बच्चा हमें बहुत याद करता है, ज्ञान की भी धारणा करते हैं, ये और मम्मा 1 पास हो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनकी डायनेस्टी चलती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा की तरह मेहनत कर तख्त के मालिक बने, मात पिता को फॉलो करें, भविष्य तख्त नशीन बने। ये रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जान सकते, वह बेअंत कह देते हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। न जानने के कारण भारतवासी सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते पानी के लिए जमीन के लिए, कहा भी जाता ये पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाबा से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुम्हें 21 जन्म कभी भी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। बाबा कैसे कर्म सिखाते हैं कि 21 जन्म तक कभी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते। भगवान वाच, हे बच्चे मुझ बाप के मुझ साजन के बनकर कभी फारकती ना देना, फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना, वहाँ कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी, बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सत्ययुग में कभी कोई फारकती नहीं देते क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो,
इसलिए कोई दुख का, फारकती का प्रश्न ही नहीं। ये याद की यात्रा है, परम पिता के पास जाने की रूहानी यात्रा है। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। तो ये गौमुख हुआ ना, बड़ी माँ है ब्रह्मा, बड़ी माँ है। तुम मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रत्न निकलते। बाकी गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपये का है, जितना धारण करेंगे उतना ही भाग्यशाली बनेंगे। मुख्य है ही मन मनाभव, ये एक रत्न मुख्य है। मुख्य रत्न कौन सा है? मन मनाभव, ये एक रत्न मुख्य है। बेहद का बाप कहते, मुझे याद करने से बेहद सुख का वर्षा मिलेगा। मैं बंधा हुआ हूँ, जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद में रहते हैं मतलब बाबा की मदद करते हैं, पवित्र बनाते हैं। याद से विकर्म विनाश होते, बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती, इसलिए खबरदार करते, कभी भी बाबा को भूल नहीं जाना। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बाबा को भुला नहीं देना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा, मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुम्हें स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊँगा, फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में सब याद करते हैं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद ज़रूर करनी है, याद में रहकर विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद ज़रूर करनी है, याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान है दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात नीर शीर विवेकी, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगमयुगी ज्ञान स्वरूप विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। आप सब ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति विद्या की देवी हो। आप ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। ये वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आज चलते फिरते बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं मास्टर विद्यापति हूँ। बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वाहन दिया है, तीनों लोकों की सैर करते हुए अन्य आत्माओं को भी वरदान बांटने हैं। तीव्र पुरुषार्थी भाव, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव, सहनशील भाव। ओम शांति शांति।